यू आर आर डूइंग वेल आज हम लोग बायो के फर्स्ट चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ठीक क्लास टेंथ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से वॉट इज इज डिफ्यूजन इन सफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ तो मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूम जो डिफ्यूजन होता है उससे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल क्यों हो नहीं होने पाती तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना इन मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म लाइक ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग ठीक है जो बॉडी सेल्स होती हैं वो पूरी बॉडी सेल्स हमारे सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में नहीं रहती हैं देर फोर

ज फॉर मेंटेनिंग लाइफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या चा, क्या होना चाहिए तो लाइफ प्रोसेस होना चाहिए ठीक है उसमें क्या क्या आता है न्यूट्रिशन एक्सपायरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये सारी चीजें आती हैं अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड एंड्रॉप इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं ठीक है इसको ट्राई करिए घर पे आसान सा है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसेंसेस जितनी चीजें प्लांट को चाहिए प्लांट वो सारे रॉ मटेरियल कहाँ से ऑप्टेन करता है तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमारे इन्वायरमेंट से ठीक है यानी एटमोसफियर से और स्टोमेटा के थ्रू वो ले, ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहां से मिलता है रूट एब्सॉर्ब करता है सनलाइट सी बात है सन से मिलेगा और क्लोरोफिल कहां से मिलता है क्लोरोप्लास्ट ठीक है क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसमें एक्चुअल में क्लोरोफिल पाया जाता है अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोम एसिड का हमारे स्टोमक में रोल क्या होता है तो एसिड का रोल होता है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम किसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना एक्टिवेट करने के लिए किसको एंजाइम को कौन से एंजाइम पेप्सिन सा एंजाइम क्या होता है एंजाइम सर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पेप्सिन का क्या काम होता है पी से पेट पी से पेप्सिन और पी से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा काम क्या होता है एसिड का किल द बैक्टीरिया ठीक है जो बैक्टीरिया वगैरह घुस जाते हैं उसको कल करना फूड के थ्रू अगले पॉइंट भी हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट क्या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है तो भैया डाइजेस्टिव एंजाइम का सिंपल का फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना जिससे कि हम उसको प्रॉपरली एब्सॉर्व कर सके और यूटिलाइज कर सके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्व

विध रिगार्ड टू ऑप्टेन ऑक्सीजन फॉरपाशन जो एक्वेटिकल ऑर्गनिजम होता, होता है जब हम दोनों को कंपेयर करते तो हैं उनको क्या फायदा होता है ऑक्सीजन लेने के कंपेयर में तो को सबसे बड़ा फायदा यही होता है ना कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है जबकि ऑर्गेनिज्म में जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो कम होता है तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग ऑक्सीजन आसानी से ले लेते हैं ठीक है एनवायरनमेंट से जबकि जो पानी में पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा डिसॉल्व गैसेस कम होती है पानी में तो उनके जो ब्रीथिंग रेट होता है वो काफी फास्ट होता है यही चीज यहां समझा गया है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन सराउंडिंग वाटर सिंस एयर डिसॉल्व इन वाटर हैज फियरली लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जो पानी

कौन कौन से मैथड है जिससे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तो आसान सा है दो ही मैथड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एन एरोस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक में एनर्जी ज्यादा निकलती है में एनर्जी कम निकलती है अगर एन एरोपायरेशन द सेकेंड वाला पॉइंट देखिए द एन एरो रिस्पायरेशन इन प्लांट

टू लंग्स और किस फॉर्म में बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ठीक है जहां पे वो क्या करता है ब्लड से डिफ्यूज कर जाता है लंग्स और लंग्स से हमारे बॉडी के बाहर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ तो लंग्स में भैया एल्वियलाई होता है ठीक है एलविओलाई क्या कर देता है इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ क्सचेंज ऑफ गैसेसही लिखा एलवियोलाई प्रजेंट इक्ट में अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट यहाँ क्या बता रहा है वॉट आर द कंपोनेट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींगस ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या होता है सिंपल सा है सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन करता है जिसमें हर्ट आता है ब्लड आता है आता और ब्लड वेसल्स आते है हार्ट का काम क्या होता है ये प्योरिफाइड ब्लड रिसीव करता है लंग्स से ठीक है और उसको पंप कर देता है बॉडी में ब्लड का फंक्शन क्या होता है ब्लड का फंक्शन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डाइजेस्टेड फूड हार्मोन्स ठीक है नाइट्रोजनस वेस्ट इन सारी चीजों को बॉडी सेल्स तक पहुंचाना और वेस्ट मटेरियल को बॉडी सेल्स से बाहर निकालना अगला पॉइंट क्या है फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स भैया तीन होती है आर्टरीज रीन्स और कैपिलरीज जिनका काम क्या होता है हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करना ठीक है ब्लड को प्रॉपरली सप्लाई करना और ब्लड इन्हीं से होके जाता है अगले पॉइंट पे चलते हैं आपको पता है, है, ना? में आप पढ़े है। क्या पढ़े हैं जो मैमल्स होते हैं मैमल्स और बर्ड ये सब बॉर्म ब्लडेड होते तो भैया खून गर्म रखना है तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए तो एनर्जी उनको कहां से मिलेगी जब ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होगा उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी बेटर चाहिए तो इसमें ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीटेड ब्लड अलग होने से क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर होती है जिससे कि अपना बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं बोर्ड पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इसको पढ़ते हैं इन एनिमल दैट है मैमल बर्ड को कॉन्स्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे कि वो अपने बॉडी का कॉन्स्टें टेम्परेचर मेंटेन कर सके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं वॉट आर दम्पोनेट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो भैया ऑफ़ ऑफ्लुएम से होता है ज़ाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है वॉटर मिनरल ऑफलुएम फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट वॉटर मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो आपको पता है वॉटर कहां से रूट एयर से रूट एयर से कहां पहुंचता है? है, है इसके बाद वॉटर एंड मिनरल के रीड बायलम वेसल इन द स्टेम रीच द लीव पत्तियों तक पहुंचता है इसके बाद दस द वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल रीच दो द रू एंड स्टेम टू द लीव ऑफ प्लांट अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ वॉटर वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल ऑफ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन ठीक है विच पुल फ्रॉम द जाइलम ट्रांसपायरेशन आपको पता है जो स्टोमेटा होता है स्टोमेटा में पोर्स होते हैं और ऊपर सन है सन क्या करता है सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे होता है क्या ट्रांसपायरेशन पुल होता है जिससे है पानी रूट से आसानी से कहां पे पहुंच जाता है लीव्स तक पहुंच जाता है ठीक है और वहां से वेपर के फॉर्म में निकल जाता है कोल्ड ड्रिंक आपने कभी स्ट्रॉ से पिया होगा उसमें होता है कि आप कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जब सक करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर चली आती है से, इसी से, सेम चीज सन भी करता है ठीक है वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में अगले पॉइंट पे चलते हैं हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट प्लांट में खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो फूड ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ठीक है तो वही लिखा है ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है इसमें जो शुगर होता है जो शुगर फूड मेड इन इन लीव्स लोडेड ऑफ फ्लोएम टिश्यू ठीक है tube में उसको लोडेड कर दिया जाता है यानी वहां रख दिया जाता है किसकी मदद से एनर्जी की मदद से एनर्जी किस फॉर्म में मिलते है टीपी एडीनोसिन ड्राई फोस्फेट ठीक है इसके बाद हो, होता क्या है वॉटर नाउ इंटर दूट्यूब इसके बाद वाटर इंटर करता है tube में जिसमें क्या होता है कंटेनिंग शुगर ठीक है उसमें शुगर होता है और इसके बाद होता क्या बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू विच प्रेशर इन फ्लोएम टिश्यू राइजेस ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर होता है फ्लोएम टिश्यू में काफी बढ़ जाता है जिससे होता क्या है द हाई प्रेशर प्रोड्यूस इन द फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो फूड को पूरे बॉडी पार्ट में मूव करवा देता है इससे होता क्या है दिस अलाउ फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्लांट इससे होता क्या है कि जो फ्लोएम है ना फ्लोएम क्या करता है फूड आसानी से ट्रांसपोर्ट कर लेता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार

ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है वन डिन ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच टू रेनल आर्ट्री एक इंड उसका रेनल आर्ट्री से अटैच होता है जिससे कि प्योर ब्लड आता है ठीक है जिसमें यूरिया वगैरह होता है अगले पॉइंट पे चलते हैं दिज इम्प्योरिटी और फिल्टर्ड और बॉमिन कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर कर देता है नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट क्या होता है शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया अमीनो और वाटर जो भी हमको रिक्वायर्ड होती है वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है इसके बाद क्या होता है द सब्सटेंस रिमेन इन नेफ्रॉन इज मेनली यूरिन फिर जो सब्सटेंस मेनली नेफ्रॉन में बचता है वो क्या बचता है यूरिन ठीक है जो कि डिजॉल्व यूरिया होता है जिसमें वाटर में ठीक है जो कि से हमारे बॉडी से निकलता रहता है टाइम टू टाइम आगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ब्लड टेक्स प्लेस इन कैप्सूल कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है ठीक है फ्रॉम द दैपलरीज ऑफ ग्लोमुलस ग्लोमस की मदद से द मदद्रेट फिर कहां से पास होता है नेफ्रॉन के ट्यूबलर पार्ट से ठीक है जहां पे होता क्या है दिस फिल्ट्रेट कंटेन इस फिल्ट्रेट में होता क्या ग्लूकोज हो गया अमीनो एसिड यूरिया यूरिक एसिड सॉल्ट और

फ्रॉन्ट्यूब्यूल से सराउंडेड होता है अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फिल्ट्रेट विच रिमेंड आफ्टर रीअबॉर्शन इज कॉल्ड यूरिन यानी जो बचा रीअबॉर्प्शन के बाद उसको यूरिन कहते हैं यूरिन में क्या होता है नॉर्मली यूरिया या यूरिक एसिड होता है नमक खूब होता है और वॉटर उसमें कम होता है ठीक है यूरिन ज कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन यूरिन कौन कलेक्ट करता है नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बाद उसको यूरिनरी पे जाता जाता है है यहां से से बॉडी बाहर निकाल दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू रेड टू गेट रिड ऑफ स्क्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट में जो स्क्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको प्लांट अपने बॉडी बाहर कहीं से निकालता है तो जो गैसियस प्रोडक्ट होता है उसको स्टोमेटा की मदद से निकालता है और स्टेम में लेंटिसल्स की मदद से निकालता है जबकि प्लांट में कुछ सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल रेड ऑफ करता रहता है जैसे शेडिंग ऑफ लीप पत्तियों का झड़ना पीलिंग ऑफ बार और फेलिंग ऑफ फ्रूट ठीक है इन सारे मेथड से क्या करता है अपने बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकालता है और साथ साथ में प्लांट कुछ चीजें भी सिक्रिएट करता है जैसे रेजेंस हो गया गम्स हो गया ठीक है तो इससे भी वेस्ट मटेरियल प्लांट बाहर निकालता है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड प्रोड्यूस इन अवर बॉडी ठीक है जो भी यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कैसे रेगुलेटेड होता है <coughs> तो इसका आंसर क्या है द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय रीअर्प्शन ऑफ वाटर ठीक है जो वाटर के रीअब्सॉर्प्शन होता है उससे रेगुलेटेड होता है और कुछ डिजोल्व सब्सटेंस है ठीक है इन द ब्लड थ्रू कैपेलरी सराउंडिंग द टिव्यूल ऑफ नेफ्रॉन अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस जो यूरिन का अमाउंट होता है किस पर डिपेंड करता है वाटर पे डिपेंड करता है ठीक है आप कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं एंड वेस्ट वेस्ट और जो मटेरियल उसमें है उस पर भी डिपेंड करता है अगले पॉइंट पे चलते हैं अब यहां से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ अब ये एनसीआर का जो मेन पार्ट था ना मेन क्वेश्चन है आंसर अब ये उसका है ठीक है पढ़ते हैं द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम किडनी किसका पार्ट है बहुत आसान सा है कोई दिक्कत नहीं है, किस चीज़ के लिए होता है तो आसान ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं डॉटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो भैया सब चीज की कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर क्लोरोफिल सनलाइट तो इसका क्या होगा ऑल ऑफ दीज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पारवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी तो कहां पे ये होता है पार्विक एसिड ब्रेक डाउन अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी निकल रही तो हमको पता है माइक्रोकॉन्डिया ठीक है क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है यहां ना इलेक्ट्रिक एसिड बन रहा है ना इथेनॉल बन रहा है अगले क्वेश्चन पे चलता है हाउ फैट डाइजेस्टेड इन बॉडी एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस फैट कहां डाइजेस्ट होता है तो फैट डाइजेशन कहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है एंड द बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन बाइल जूस इम्सि फायदा फ्लैट जो बाइल सॉल्ट होते हैं इनका काम क्या होता है ये फैट के ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई करते हैं ठीक है उसको छोटे छोटे टुकड़े होता है पैंक्रेटिक जूस में वो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है और इसके बाद फाइनली इंटेस्टाइनल जूस निकलता है ठीक है जिसको हम सक्कास भी कहते हैं उसमें भी लाइपेस इंजाइम होता है जो फैट को कन्वर्ट करता है किसमें फैटी एसिड एंड ग्लेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद वॉट इज द रोल ऑफ स्ल स्लाइवा का क्या रोल होता है भैया स्लाइवा में स्लाइवरी का एक और काम होता है हमारे माउथ को वेट रखता है ठीक है गीला रखता है और मॉइसन रखता है साफ रखता है तो यह इंपॉर्टेंट पार्ट है और ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है जिससे कि हम आसानी से खाना निगल सके अगले क्वेश्चन में चलते हैं वॉट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन ठीक है एंड वॉट इज इट्स बाय प्रोडक्ट नेसेसरी कंडीशन ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या होती है भैया क्लोरोफिल होना चाहिए वॉटर होना चाहिए ठीक है प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए और सफिशियंट लाइट होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था बाय प्रोडक्ट क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन हो गया वाटर हो गया ग्लूकोज हो गया तो ये सारी चीजें कुछ चीजें मेंशन नहीं है ध्यान दीजिए आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एन ए आसान सा उसको आप वीडियो में देख सकते हैं एरोबिक एंड रॉबिक रिस्पायरेशन क्या होता है प्लेलिस्ट में है ठीक है और हम इसका एग्जाम्पल बता देते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो है रॉबिक डिस्पायरेशन करते हैं जैसे यीस्ट हो गए और बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी

तो मोगलोबिन कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी इससे होगा क्या बीमार पड़ जाओगे है ना बदन में दर्द होना शुरू हो जाएगा थकान नोजिया चक्कर आना ये सारी प्रॉब्लम होगी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हमने ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका रिव्यू दे दे रहे हैं ठीक है डबल सर्कुलेशन क्या होता है इन डबल सर्कुलेशन ब्लड फोर्स टूज द हार्ट ब्लड दो बार हार्ट से फ्लो करता है एक साइकिल में इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं Avoid, it is जरूरी क्यों है डबल सर्कुलेशन तो भैया टू अवॉइड और डी करने से रोकने के लिए जरूरी है इससे ह्यूमन बींग्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए ठीक है ह्यूमन बींग्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए जिसको मेंटेन करने के लिए जिससे अपने बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाइ इन लंग्स एंड्रॉन इन किडनी

जैसे यूरिया हो गया ठीक है जो यूरिन से रिमूव करता है तो ये थी आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत मेहनत लगती है लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करिए तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत और अगला आप लोग किस चीज पे किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं वीडियो हम बनाए तो उस बारे में आप लोग कमेंट करिए जय हिंद